समवन बिहाइंड द डोर एक फ्रेंच क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसके मेन लीड हैं एंटोनी परकिंस, जिसे आपने अल्फ्रेड हिचकॉक की 1960 में आई फेमस फिल्म साइको में एक साइको के किरदार में देखा होगा। अगर आपने साइको फिल्म नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आपने ये सिनिस्टिक चेहरा तो जरूर देखा होगा। यही है एंटोनी परकिंस। फिल्म समवन बिहाइंड द डोर एक न्यूरोसर्जन लॉरेंस जेफरीज की कहानी है, जो एक बहुत ही कामयाब न्यूरोसर्जन है। वो अपने काम में हमेशा मशगूल रहता है। उसका ज्यादातर समय हॉस्पिटल में मरीजों को देखते हुए बीतता है। यही नहीं, जब वो घर जाता है तो वहां भी कई मरीज उससे मिलने आते हैं। अब डॉक्टर लॉरेंस के लिए इतना काम भी काफी मालूम नहीं पड़ता है। वो कई मरीजों का इलाज अपने घर में भी करता है। कई बार मरीज उसके घर में कई दिनों तक रुकते हैं। कुल मिलाकर मानसिक मरीजों को देखना ही उसका जुनून है, जिसमें वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। उसके लिए उसके मैरिज लाइफ का ज्यादा महत्व नहीं है। कई बार तो उसकी मेड भी उसे ताना मारते हुए कहती है कि आप हॉस्पिटल में ही क्यों नहीं परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी पत्नी फ्रांसिस एक खूबसूरत महिला है। अब चूंकि डॉक्टर लॉरेंस अपनी पत्नी फ्रांसिस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता है, काम की वजह से उसके पास फ्रांसिस के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। फ्रांसिस का अफेयर पॉल डेमियन नाम के एक जर्नलिस्ट से हो जाता है, जो कोई बुरा आदमी नहीं है। वो फ्रांसिस से बेहद प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फ्रांसिस भी उसे पसंद करती है। फ्रांसिस को उसके साथ रहना अच्छा लगता है। पॉल और फ्रांसिस के बारे में डॉक्टर लॉरेंस को पता चल चुका है। असल में उसने एक दिन फ्रांसिस द्वारा पॉल को लिखे प्रेम पत्र को पढ़ लिया था। उसे पॉल पर बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर लॉरेंस का मेल ईगो हर्ट हो जाता है। वो पॉल को मार देना चाहता है, पर चूंकि वो समाज में एक इज्जतदार आदमी है, वो खुद ऐसा अपने हाथों से नहीं करना चाहता है। एक दिन हॉस्पिटल में एक इंटेंस ब्रेन सर्जरी करने के बाद जब वो घर जाने के लिए निकलता है तो उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसे अपना अतीत याद नहीं होता है। उसे एक कैब ड्राइवर ने सड़क पर बदहवास पाया तो उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। डॉक्टर लॉरेंस जब मरीज को चेक करता है तो उसे ये एक सीवियर अमिनीसिया का केस लगता है। डॉक्टर लॉरेंस को ऐसे ही तो एक मरीज की तलाश थी जो उसका काम कर सके। सो डॉक्टर लॉरेंस उसे अपने घर ले जाता है और उससे कहता है कि वो उसका इलाज अपने घर में ही करेगा। वो उसके घर में तब तक रह सकता है जब तक कि उसे कुछ याद नहीं आ जाता है। अपने घर में रखकर मरीजों का इलाज करना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो अक्सर ऐसा अपने मरीजों के साथ करता है। डॉक्टर लॉरेंस का घर बहुत बड़ा है। एक ही घर में होते हुए भी उसकी पत्नी और मेड को उसके यहाँ किसी मरीज के साथ होने की खबर नहीं होती है। एक दिन फ्रांसिस कहती है कि वो अपने भाई से मिलने लंदन जाना चाहती है। असल में वो अपने बॉयफ्रेंड पॉल से मिलने जा रही है। जब फ्रांसिस घर से चली जाती है तो डॉक्टर लॉरेंस अपनी मेड को भी छुट्टी पर भेज देता है और पूरा समय अपने मरीज के साथ बिताता है। डॉक्टर लॉरेंस असल में उस मरीज को अपनी आइडेंटिटी देना चाहता है। डॉक्टर लॉरेंस उस अजनबी मरीज को एक बैग देता है और उससे कहता है कि ये उसका लगेज है जो उसे उस बीच पर मिला है जहां पर उसे कैब ड्राइवर ने बदहवास पाया था। इस कथित लगेज में डॉक्टर लॉरेंस ने उसके नाप के कपड़े डाल दिए हैं। लगेज में डॉक्टर ने अपनी पत्नी फ्रांसिस की तस्वीर भी डाल दी है। इसके साथ लगेज में एक फर्जी चिट्ठी भी है जिसमें पॉल नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड यानी फ्रांसिस के प्रति प्यार का इजहार कर रहा है। चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि कैसे वो फ्रांसिस को उसके पति के चंगुल से निकालना चाहता है। असल में ये एक फर्जी चिट्ठी है जो डॉक्टर लॉरेंस ने खुद लिखी है। चिट्ठी पढ़ने पर अजनबी को ये लगता है कि वो चिट्ठी में बतलाया गया आदमी पॉल है, जिसका अफेयर फ्रांसिस नाम की महिला से है। तब डॉक्टर लॉरेंस उसे बतलाता है कि वो पॉल नहीं हो सकता है, बल्कि वो आदमी है जिससे पॉल फ्रांसिस को छुड़ाना चाहता है। डॉक्टर मरीज के हैंडराइटिंग सैंपल को चिट्ठी से मिलाता है, जो मरीज के हैंडराइटिंग से बिल्कुल मैच नहीं करता है। इस तरह डॉक्टर साबित करता है कि वो पॉल नहीं है बल्कि लॉरेंस का पति है। वो अनजान आदमी डॉक्टर की बातों पर यकीन करने लगता है और वो अपनी पुरानी यादें जो उसके मन में धुंधली सी है फ्रांसिस के साथ जोड़कर भावुक होने लगता है। डॉक्टर लॉरेंस को यही तो चाहिए था।
उसने सफलतापूर्वक अपनी आइडेंटिटी उसे दे दी है और अपना मेल ईगो भी उस पर ट्रांसफर कर दिया है। अब वो अनजान आदमी अपनी काल्पनिक पत्नी फ्रांसिस के बॉयफ्रेंड को मार देना चाहता है। डॉक्टर लॉरेंस अपना प्लान आगे बढ़ाते हुए फ्रांसिस के भाई को फ्रांसिस के बॉयफ्रेंड के बारे में बतलाता है, जिसे मिलने के लिए फ्रांसिस अपने भाई के पास लंदन जाने का अक्सर बहाना बनाती है। डॉक्टर लॉरेंस फ्रांसिस के भाई को कहता है कि वो अपनी बहन से इस बारे में बात करे और उसका पॉल से अकेले में मिलने का कोई अरेंजमेंट कर दे। जब फ्रांसिस का बॉयफ्रेंड पॉल डॉक्टर से मिलने और फ्रांसिस को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आता है, तो अनजान आदमी जो डॉक्टर का मरीज है और जिसके मन में डॉक्टर ने अपनी आइडेंटिटी प्लांट कर दी है, पॉल के साथ बहस करने लगता है। पॉल, जो कि कभी डॉक्टर लॉरेंस से नहीं मिला है, उस मानसिक मरीज को डॉक्टर लॉरेंस समझकर उससे बहस में पड़ जाता है। डॉक्टर लॉरेंस अपने घर में ही छुपकर दोनों के बीच हो रहे बहस को आगे बढ़ता हुआ देखता है और इंतजार करता है कि कब उसका मरीज अपनी बंदूक निकालकर पॉल को गोली मार दे। असल में डॉक्टर लॉरेंस ने अपने मरीज को कहा है कि पॉल ने तुम्हारी पत्नी फ्रांसिस की हत्या कर दी है, लेकिन जब बहस के दौरान पॉल बतलाता है कि फ्रांसिस भी उसके साथ आई है और गाड़ी में इंतजार कर रही है और आज वो दोनों बात हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो मरीज सदमे में आ जाता है, क्योंकि उसे बतलाया गया था कि पॉल ने उसकी लविंग पत्नी फ्रांसिस को जान से मार दिया है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर को अब उसका प्लान फेल होता हुआ नजर आने लगता है। अब जब फ्रांसिस घर के अंदर आती है तो उसे हैरानी होती है और उसे कुछ गड़बड़ी का अंदाजा होता है, क्योंकि उसके लिए वो आदमी एक अजनबी है जो उसे अपनी पत्नी बतला रहा है। वो पॉल को धीरे से बतलाती है कि वो आदमी उसका पति लॉरेंस नहीं है, ये कोई दूसरा आदमी है। बहस के दौरान जब मरीज पॉल को फ्रांसिस की जिंदगी से निकल जाने के लिए कहता है, तो पॉल तुरंत राजी हो जाता है और वहां से निकलकर पुलिस की मदद बुलाना चाहता है। डॉक्टर लॉरेंस का प्लान अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। डॉक्टर लॉरेंस को अब खुद के पूरी तरह से एक्सपोज हो जाने का डर लगने लगता है। वो पसीने से तरबतर हो चुका है और उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। लेकिन तभी मानसिक मरीज और पॉल के बीच कुछ ऐसा होता है कि वो पॉल पर गोली चला देता है और पॉल को जान से मार देता है। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। फ्रांसिस वहाँ से भागना चाहती है। फ्रांसिस को अपने बॉयफ्रेंड के लिए रोता देख और खुद से डरता देख मानसिक मरीज जो फ्रांसिस को अपनी पत्नी मानता है, उसका दिमाग घूम जाता है। जब फ्रांसिस वहाँ से भागना चाहती है तो मानसिक मरीज उसे गला दबाकर मार देना चाहता है। असल में वो मानसिक मरीज एक रेपिस्ट और मर्डरर है। उसकी नेचुरल प्रवृत्ति फ्रांसिस पर हावी होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो फ्रांसिस की हत्या कर देता, डॉक्टर लॉरेंस के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। वो मरीज को फ्रांसिस की हत्या करने से रोकता है और उसे बतलाता है कि वह फ्रांसिस का पति नहीं है, उसका पति डॉक्टर खुद है। ये सुनते ही मरीज का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वो बदहवास घर से बाहर चला जाता है। फ्रांसिस को अपने पति का पूरा प्लान अब समझ में आ चुका है। दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। डॉक्टर के चेहरे पर शर्मिंदगी और हताशा दोनों एक साथ झलकती हैं। असल में वो पॉल से जलता था और उसे मार देना चाहता था, पर बंदूक का ट्रिगर दबाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने एक मानसिक रोगी को पॉल को मारने का जरिया बनाया। हालांकि उसने पॉल को तो मार दिया, लेकिन घटना वैसी नहीं घटी जैसा उसने सोचा था। फ्रांसिस अब उसे पुलिस के हवाले करने वाली है। फिल्म अब यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।